दूसरे के साथ मैं हूँ उबे ताहिर ख़िदमत है इस वक्त की अहम सुर्खिया <्याँगी> अमीर शेख तमीम अहमद आलसानी और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान परसों पीर के दिन मुजवजा मुलाकात बैन अवी मीडिया की हेडलाइन बन गई है <्याँगी> काबीना की जानब से कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों में नरमी के फैसलों पर आज से अमल दरामद शुरू हो गया है वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क में वायरस की तीसरी लहर का पीक पीरियड निकल गया है वजीरबलियात जरात और खाने पीने की अशिया के आलमी फोरम और एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की चौदवी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं और यूक्रेन और रूस की कशीदगी के रूस और के दरमियान कशीदगी के जिम्मे में अमरीका अपने फौजी दस्ते मशी यूरोप के मुल्कों में मुंतकिल कर रहा है और पेशी खिदमत है उर्दू रेडियो कतर एफ एम वन ओ सेवन से आज का दूसरा मुफसल नशरिया मर शेख बिन तमीमानी और अमरीकी सदर जो बाइडेन के दरमियान परसों पीर के दिन वाशिंगटन में होने वाली मुजवजा मुलाकात आलमी मीडिया की का मरकज बन गई है मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमरीका और कतर यूरोपी को यूरोपीय मुल्कों को एमरजेंसी सप्लाई के मंसूबे पर काम कर रहे हैं और तमाम उम्मीदें एल की उस सप्लाई पर टिकी हैं जो बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स के जरिए यूरोप पहुंचेगी आलमी माहरीन का कहना है कि आइंदा साल के दौरान कुदरती माए गैस या एल एन जी की जबरदस्त पैदावार सलाहियत की बिना पर कतर ईंधन सप्लाई करने वाला ऐसा एक्सपोर्टर बन जाएगा जिस पर भरोसा किया जा सकता है कोरोना वायरस की रोकथाम में कतर बिल कामयाब हो गया और आज से मुल्क में पाबंदियों में नरमी कर दी गई है वजारती कौंसिल की जानब से जारी करदा फैसलों पर आज सनीचर 29 जनवरी से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क बीमारी की तीसरी लहर के पीक पीरियड से निकल आया है वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज्तर 24 घंटों के दौरान मजीद चार हजार एक सेहतयाब हो गए हैं जिसके बाद इस बीमारी से रिकवर होने वालों की कुल तादाई तीन लाख नौ हजार एक सौ अट्ठासी हो गई है वजारत सेहत ने मजीद कहा कि इस दौरान कतर की लोकल कम्यूनिटी में ग्यारह सौ चौदह और सफर से लौटने वालों में चार सौ चौबीस नये कोविड केस रजिस्टर किए के गए हैं जबकि चार मरीज जिंदगी की जंग हार गए। वजीर बल्दियात डॉ अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की सूबेई ने आलमी फोरम बरए जरात और एशियाए खुरदनी यानि ग्लोबल फोरम फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर और, और वज्राय जरात की चौदहवीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है ये कॉन्फ्रेंस वीडियो कान्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिये मनकद की गई फोरम के अजलास में गजा सिक्योरिटी को यकनी बनाने के लिए मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया की पैदावार में मिट्टी के किरदार और तमाम मुल्कों की जानब से मिट्टी के पायदार इस्तेमाल की पाबंदी और पायदार गजाई निजाम की सपोर्ट जैसे उमूर पर खोज किया गया इसके अलावा पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए एग्रीकल्चरल रिसर्च टेक्नोलॉजी और नित नई ईजादात को फरोग देने पर भी बातचीत की गई रियासत कतर ने खलीजी और यूरोपीयी मुल्कों के वजारती इजलास की तैयारी के सिलसिले में होने वाली मीटिंग में शिरकत की है यूरोपीय यूनियन में कतर के सफीर जनाब अब्दुल अजीज बिन अहमद अल मालकी ने मीटिंग में कतर की और जनाब कॉल हॉलगर्ड ने यूरोपी इतिहाद की नुमाइंदगी की लुबनान के व खारजा जनाब अब्दुल्ला बवीद ने ऐलान किया है कि लबनान के सदर और वजीर आजम की जानब से कुत की उस पहल का जवाब तैयार कर लिया गया है जो उसने खलीजी मुल्कों के साथ ताल्लुक को सुधारने के लिए पेश की थी लुबनानी वजीर खारजा ने कहा कि यह जवाब आज सरकारी तौर पर कुवैत के वजीर खारजा के हवाले कर दिया जाएगा इराकी वजीर जनाब मुस्तफा अलकाजमी ने कहा है कि बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल किया गया हमला इराक की साख को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश है जबकि पार्लियामेंट के स्पीकर जनाब मोहम्मद अल हलबूसी ने मुतालबा किया है कि बकौल उनके इन दहशतगर्द कार्रवाईओं को रोकने के लिए संजीदगी के साथ काम किया जाए इसी दौरान अकवा मुतहद के मिशन ने हालिया दिनों में इराक में होने वाले हमलों पर जाहिर की है याद रहे कि कल बगदाद हवाई अड्डे पर किए गए इस हमले में चंद जहाजों को भी नुकसान पहुंचा था फलस्तीन की वजारत खारजा ने कहा है कि काबिज इसराइल के, के जराइम और आबादकारी को रोकना ही अमन की उम्मीद को बहाल करने का वाद रास्ता है दूसरी जानब तकरीबन पांच सौ फलस्तीनी कैदी इसराइली अदालतों का बायकॉट जारी रखे हुए हैं और आज बायकॉट का उन्तीसवां दिन है उधर अकवा में मतदा ने जोर देकर कहा है कि वो दो रियाती हल के उसूल के तहत अपना काम जारी रखेगी जो मिडिल ईस्ट के मसले के हक में होगा और जिससे ख़त्ते में तनाजा और कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा ये ईरान ने ऐलान किया है कि सभी फरीकों ने आस्ट्रिया के हुकूमत व्याना में जारी एटमी मुजाकर को वक्ती तौर पर सस्पेंड या मअतल करने पर इतफाक कर लिया है इस ऐलान के मुताबिक आज से को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है उधर फ्रांस के सदारती दफ्तर से कहा गया है कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि मुश्किल के बावजूद किसी एटमी समझौते तक पहुंचा जा सकता है इस दौरान अमरीका की वजारत खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने कहा है कि उनका मुल्क सोच और फिक्र के अंदाज में इख्तलाफा के बावजूद अब भी ईरान के साथ डायरेक्ट डिप्लोमेसी पर यकीन रखता है जनूबी कोरिया की न्यूज एजेंसी के एक बाबर जरिए ने कहा है कि जुनूबी कोरिया और ईरान आइंदामाद और सोल में वर्किंग ग्रुप्स की सतह पर मुलाकात कर रहे हैं ताकि अमरीकी पाबंदियों की वजह से मुंजमद किए गए ईरानी असासों के मुताबिक कई साल से जारी तनाज का हल निकाला जा सके जरिये का कहना है कि ये वर्किंग ग्रुप्स बुनियादी तौर पर ईरान का सरमाया चुकाने के तरीकेकार और अमरीकी पाबंदियां उठते ही ईरान से पेट्रोल बरामदात को दोबारा शुरू करने पर गौरखोज करेंगे यूक्रेन और रूस के दरमियान सरहद पर कशीदगी ज़िम्मे में अमरीकी सदर ने ऐलान किया है कि वो मुस्तक करीब में नेटो में शामिल मशकी यूरोप के मुल्कों में अमरीकी दस्ते मुंतकिल करेंगे जबकि रूस ने ऐलान किया है कि उसने फजाई दिफा करने वाले एक दस्ते को तैयारा शिकन बारह मिजाइलों के साथ बेलारोस मुंतकिल है उधर यूक्रेन के सदर जनाब ब्लदमिर जी लिंसकी ने बौल उनके जायद जरूरत गुस्से से खबरदार किया है एक तरफ अमरीका रूस को पाबंदियां लगाने की धमकियां दे रहा है दूसरी जानब रूस के वजर खारजा सिरगेलैरो अमरीकी धमकियों को सिफारतकारी के लिए खतरनाक करार दे रहे हैं इसी दौरान अमरीका के वजी दिफा लोडन ने कहा है कि अब भी सिफारतकारी के लिए वक्त बाकी है आज का दूसरा नशिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए सॉफ्टवेयर सुमुवमीर शेख तमीम अहमद आलसानी और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान पर सोपीट के दिन मुजवजा मुलाकात बैन अलाकवी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गई है कतरी काबीना की जानब से कोरोना पाबंदियों में नरमी के फैसलों पर आज से अमल दरामद शुरू हो गया है वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क में वायरस की तीसरी लहर का पीक पीरियड निकल गया है वजीर बल्दियात ने जरात और खाने पीने की अशिया के आलमी फोरम और एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की चौदहवीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है और यूक्रेन और रूस कशीदगी के केम में अमरीका अपने फौजी दस्ते मश्रकी यूरोप के मुल्कों में मुंतकिल कर रहा है उर्दू रेडियो कतर एफ एम वन सेवन ऐसी से आज का दूसरा नशरिया अपने अख्तितम को पहुंचा। पहुँचा ताहिर और तकनीकी माविन जासिम हद्दाद को इजाजत दीजिए खुदा हाफिज हमारा अगला बुलेटिन सुबह अल्लाह दोस्तों मैं हूं शेख नूर आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिक लगी होगी इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नो टाइम ट्वेंटी फोर बार सेवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए शुक्रिया